मैं रोली यादव ई लर्निंग विद दुर्गेश प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज का देखिए हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, मैक डूगल की मूल प्रवृत्तियों के बारे में आज पढ़ेंगे कि एक्चुअली मैक डूगल ने मूल प्रवृत्तियों का जो संबंध है ना वो संवेग से बताया है कि संवेग से मूल प्रवृत्तियों का क्या संबंध है। इसको किसने बताया? मैक डूगल ने बताया। कब बताया? 1908 में। एक्चुअली अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं संतान कामना की। किसकी बात करते हैं? संतान कामना की हम बात करते हैं, है ना। देखिए संतान कामना क्या होता है? संतान कामना मैक डूगल का क्या है? मूल प्रवृत्ति है। एक मैक डूगल का पॉजिटिव माने सकारात्मक मूल प्रवृत्ति है संतान कामना। और इसका जो संवेग है क्या है? वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब होता है प्रेम। वात्सल्य का क्या मतलब होता है? प्रेम। प्रेम यानी लव। यानी देखिए यहाँ पे हम लोग संतान कामना यानी शिशु रक्षा की बात हो रही है, यानी संतान की रक्षा की बात हो रही। किसकी बात हो रही है? संतान की रक्षा की बात हो रही। किसकी संतान की रक्षा की बात हो रही है ना। कि मतलब यहाँ पे एक माँ और बच्चे के बीच का जो प्रेम है उसी को हम लोग वात्सल्य कहते हैं, है ना। और संतान कामने का मतलब हो गया यहाँ पे कि एक जो माँ होती है वह अपने संतान की सुरक्षा कैसे करती है, वह अपने शिशु की रक्षा कैसे करती है, उसको हम लोग संतान कामना कहेंगे। और इस कामना और इस मतलब कि यह एक प्रकार से वात्सल्य है जो जैसे कृष्ण का अपनी माता यशोदा के प्रति जो प्रेम है वह वात्सल्य है। कृष्ण का अपनी माता के प्रति जो प्रेम है वो वात्सल्य है। और जो प्रेम आया अपनी माता के प्रति वह जो प्रेम है एक प्रकार का संवेग है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वात्सल्य कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक पॉजिटिव इमोशन हो गया, एक सकारात्मक संवेग हो गया जो किसके प्रति है? अपनी माता के प्रति। और संतान कामना माँ का अपने पुत्र के प्रति जो शिशु के प्रति रक्षा की बात हम करते हैं। अब देखिए सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या करते हैं? करुणा की हम बात करते हैं। माने करुणा एक संवेग है। तो ये करुणा का मतलब होता है जब इंसान बहुत ही संकट में हो, बहुत ही संकट में हो, संकट में हो और दुखी हो। कैसा हो? दुखी हो, है ना। तो वह क्या करता है? किसी के क्या जाता है? शरण में जाता है। किसी किस में आता है? शरण में जाता है। माने संकट में या दुखी व्यक्ति जब किसी की शरण में जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? शरणागति कहते हैं। या शरणागति जो है मूल प्रवृत्ति यानी मैक डूगल की मूल प्रवृत्ति है। जिसका मतलब हो गया कि जैसे मुझे कोई समस्या है मैं किसी की शरण में गई उसको शरणागति कहेंगे। और करुणा का मतलब मैं बहुत समस्या में हूँ। तीसरा वाला क्या कह रहे हैं? देखिए तीसरा संवेग जो है यहाँ पे आश्चर्य है। अब यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि जो संवेग आश्चर्य है उसका कैसे संबंध है जिज्ञासा का। एक्चुअली देखिए जैसे मेरा क्या है कि अभी आपको हम CDP पढ़ा रहे हैं, है ना। और CDP के बाद हम आपको और कई सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो एक बार आपको आश्चर्य होगा कि मैम को सारे सब्जेक्टों का ज्ञान है। तो वह कहीं ना कहीं आश्चर्य एक प्रकार का उस तुरंत आपके अंदर संवेग आया, आश्चर्य की भावना आई कि सारे सब्जेक्ट उनको पता है, है ना। आपके अंदर क्या हुआ? आश्चर्य हुआ, है ना। तो उसको यह आश्चर्य कैसे हुआ? एकाएक आया। देखिए मैंने बताया था ना कि संवेग अश्रृंखलित है, अक्रमबद्ध है और संवेग का स्थानांतरण होता रहता है, संवेग फिक्स नहीं होता है। तो वही बात मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि आश्चर्य उनको होगा, ठीक है ना, आश्चर्य उनको होगा। तो फिर उन्होंने क्या किया? यह संवेग क्या करता है? एक क्वेश्चन करता है, कैसे इनको इतनी नॉलेज है, कहाँ से इन्होंने पढ़ा, कौन कौन सी किताबों का इन्होंने अध्ययन किया। तो यह जो होती जो यह कब क्यों कैसे का सवाल होता है उसी को हम जिज्ञासा कहेंगे। और जिज्ञासा क्या है? मैक डूगल की मूल प्रवृत्ति है। बात समझ में आई? अब देखिए हम आमोद की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आमोद की बात करते हैं। देखिए आमोद का मतलब होता है आपके अंदर बहुत सारी
खुशियाँ हो, मतलब कि जैसे अभी आप सीटेट का एग्जाम क्वालिफाइड करके 140 नंबर पा गए, कितना पाए 140 नंबर आपने पाया, कितने नंबर पाया 140 नंबर आपने पाया, इसके पहले आप बहुत हैप्पी हैं, मॉर्निंग से ही सारे क्लास आपने अटेंड किया और आप बहुत हैप्पी हैं मैं 140 नंबर पाया हूँ, अब आप मेरे से सुपर टेट के CDP पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको उठाया, कोई क्वेश्चन आपसे कह दिया तो आप हंस दिए, जो आपने हंसा वह क्या है, आपकी मूल प्रवृत्ति है, जो आप में दिख रही है वह क्या है, वह आपकी मूल प्रवृत्ति है, वह आप में दिख रही, तो कहीं ना कहीं उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हास कहेंगे, उसी को हमने क्या कहा, हास कहा, मतलब एक प्रकार से अंदर ही अंदर खुश होना, अंदर ही अंदर खुश होना है ना, किसी योजना से खुश होना है ना, और उसका रिजल्ट मतलब फाइनली उस खुशी का मतलब कि एक प्रकार से खुशी को प्रकट करना, बात समझ में आ गई। अब देखिए अगला आपका जो संवेग है वह क्या है, आत्मविमान है। जब कभी आत्मविमान की बात आए, देखिए आत्मविमान का मतलब होता है क्या कि आपका मतलब कि एक तरफ से आत्मशक्ति का ज्ञान होना। जैसे मान लीजिए आपको जो है EVS बहुत अच्छे से पता है, तो उस EVS से आपको अंदर ही अंदर मालूम है कि मेरे पास, मैं CTET की इन्वायरमेंटल साइंस की नॉलेज मुझे बहुत अच्छी है, आपको ये चीज़ की जानकारी है, फिर आपने क्या किया, फाइनली आप CTET के EVS में 30 में से 30 नंबर जो पाए आप, वही आपका जो रिजल्ट है, वही आपकी मूल प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति का मतलब जो आपके पास है रिजल्ट, जो आपके सामने दिख रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, गौरव कहेंगे। 30 अंक का पाना गौरव, 30 अंक का पाना क्या कहलाएगा, 30 अंक का पाना गौरव कहलाएगा, 30 अंक का पाना गौरव कहलाएगा, 30 अंक का पाना गौरव कहलाएगा। बात समझ में आई। अब देखिए मैंने क्या बोला, उसके बाद स्वामित्व आपको क्या था, विश्वास था, स्वयं पर विश्वास था। अब स्वयं पर विश्वास था अपनी परीक्षा को लेकर के। बात समझ में आई, फिर से समझिए यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि जो स्वामित्व होता है, जो यहाँ पे आत्मविमान होता है, आत्मविमान का सेंस हो गया आपको स्वयं की शक्ति का ज्ञान होना, मुझे पता है कि मुझे इतनी नॉलेज है, उस नॉलेज का क्या किया मैंने, मुझे जो रिजल्ट मिला उसी को हम लोग क्या कहेंगे, गौरव कहेंगे, है ना। बात समझ में आ गई। अब देखिए अगली जो मूल प्रवृत्ति है MacDougall की वो क्या है, संग्रहण है। संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना, इसका मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। संग्रहण का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। संग्रहण का मतलब होता है क्या होता है, इकट्ठा करना, यानी कलेक्शन की हम यहाँ पे बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, है ना। अब देखिए जब आपके अंदर स्वामित्व की भावना आ जाएगी, तो आप कलेक्शन भी क्या करेगा, आपके आप में एक प्रवृत्ति दिखेगी, संग्रहण की प्रवृत्ति दिखेगी। कौन सी प्रवृत्ति दिखेगी, संग्रहण की प्रवृत्ति दिखेगी, इकट्ठा करने की प्रवृत्ति दिखेगी। जैसे मान लीजिए यह पूरा कमरा है और मैं इसकी क्या हूँ, मैं एक तरफ से फीलिंग ऑफ ओनरशिप, जब स्वामित्व की बात आए
तुरंत समझ जाइए फीलिंग ऑफ ओनरशिप की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फीलिंग ऑफ ओनरशिप की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फीलिंग ऑफ ओनरशिप की बात हो रही है। और संग्रहण का मतलब हो गया कलेक्शन। जब मुझे फीलिंग ऑफ ओनरशिप, जब मुझे पता रहेगा कि इस पूरे कमरे की मालिक मैं हूँ, मैं इसकी ओनर हूँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो भी रेंट मिलेगा उसको इकट्ठा कौन करेगा, उसका कलेक्शन कौन करेगा? स्वयं मैं करूँगी। तो देखिए यहाँ पे एक संबंध यहाँ पे दिखता है स्वामित्व और संग्रहण का, माने फीलिंग ऑफ ओनरशिप का रिलेशन किससे है? फीलिंग ऑफ ओनरशिप का रिलेशन किससे है? फीलिंग ऑफ ओनरशिप का रिलेशन कलेक्शन से है। माने फीलिंग ऑफ ओनरशिप को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्वामित्व कहते हैं। जिसके अंदर फीलिंग ऑफ ओनरशिप की कब आएगी? फीलिंग ऑफ ओनरशिप की भावना किसी व्यक्ति में कब आएगी? जब वो वहाँ का स्वामी होगा। और जब वो वहाँ का स्वामी होगा तो ओब्वियसली वो वहाँ के धन को क्या करेगा? इकट्ठा करेगा। वहाँ के धन को क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे फीलिंग ऑफ ओनरशिप को ही हम लोग स्वामित्व कहेंगे। और स्वामित्व की जो संवेग है, इसकी जो मूल प्रवृत्ति है, वह क्या है? संग्रह। संग्रहण का मतलब होता है कलेक्शन, यानी एक तरफ से धन को अर्जित करना या इकट्ठा करना। बात समझ में आई? अब देखिए कृति भाव की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कृति भाव की बात करते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए क्रिएटिव माइंड। कृति भाव का मतलब हो गया क्या? क्रिएटिव माइंड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्रिएटिव माइंड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्रिएटिव माइंड की बात करते हैं, है ना। आप देखेंगे कृति भाव का यहाँ पे मतलब क्या होता है? कृति भाव का मतलब एक तरफ से क्रिएटिव माइंड। क्या होगा? क्रिएटिव माइंड। कैसा माइंड? क्रिएटिव माइंड, है ना। मतलब कि एक तरफ से जो बच्चा होता है उसका बहुत ही क्रिएटिव माइंड होता है। उसके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ कंस्ट्रक्ट करने की भावना होती है। कुछ न कुछ मतलब कि एक तरफ से उसका जो दिमाग होता है बहुत कुछ करने का उसके माइंड में हमेशा चलता रहता है। जैसे कि एक जैसे कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जो अपनी घर का पंखा वगैरह हो गया, अपनी गाड़ी वगैरह हो गई, वो स्वयं ही बना लेते हैं। तो उनका जो माइंड होता नहीं, बहुत क्रिएटिव होता है, वो चीज़ों को खुद ही मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। तो ऐसे जो बच्चों का जो दिमाग होता है ना, वो क्रिएटिव, और फिर उसी क्रिएटिव माइंड को जिस फील्ड में उनका दिमाग बहुत लग रहा है, उसी को उन्होंने क्या किया? अपने प्रोफेशन में उतारा। उसी को लेकर के उन्होंने क्या किया? अभ्यास करके उन्होंने उसको रचना में उतार दिया। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रचना धार्मिकता बोलेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रचना धार्मिकता बनेंगे, ठीक है। अब देखिए क्रोध एक प्रकार का नकारात्मक संवेग है। क्रोध कैसा संवेग है? नकारात्मक संवेग है। क्रोध कैसा संवेग है? क्रोध जो है ना, यह नकारात्मक संवेग है। कैसा संवेग है? नकारात्मक संवेग है। कैसा संवेग है? ये नकारात्मक संवेग है। कैसा संवेग है? नकारात्मक संवेग है। क्रोध आने का कारण, जब हमारे मन का कोई नहीं होता है काम, तो हमको क्रोध आता है। हमको क्या होता है? क्रोध आता है। जिसे सामने वाला बेवजह अगर हमको परेशान करा, कहीं ना कहीं क्रोध आता है। या फिर अभी एग्जांपल में मान लीजिए किसी ने आकर के मेरी बाउंड्री को तोड़ दिया, या किसी ने मेरी ज़मीन में थोड़ा कब्जा कर लिया, तो मुझे क्रोध आया। तो क्रोध क्या है? वह एक प्रकार का संवेग है। जो परिस्थिति ऐसी हुई कि मुझ में वो क्रोध आया, तो उसके बाद मैंने एक निर्णय लिया। उसके बाद मैंने क्या किया? युद्ध का आवाहन किया। युद्ध का आवाहन का मतलब, युत्सा का मतलब ही होता है युद्ध। युत्सा का मतलब क्या होता है? युद्ध। युद्ध का आवाहन करने का मतलब हो गया कि मैंने उस व्यक्ति के खिलाफ केस कर दिया। केस का मतलब हो गया युद्ध। और युद्ध क्या है? युत्सा है। और युत्सा क्या है? मूल प्रवृत्ति है। किसकी मूल प्रवृत्ति है? मैकडूगल की मूल प्रवृत्ति है। युयुत्सा और क्रोध में क्या संबंध है, फिर से समझ लीजिए। परिस्थिति के अनुसार अगर हमें कोई समस्या आती है या फिर हमारे मन का काम नहीं होता है, तो हमें क्रोध आता है। और फिर हमने क्या लेते हैं, हम अगर क्रोधित होकर के क्या करते हैं? युद्ध का मतलब कि आह्वान करते हैं, क्या कोर्ट कचहरी करते हैं। उसी को हम लोग युद्ध को ही हम लोग क्या कहेंगे? युयुत्सा कहेंगे। बात समझ में आ गई? अब देखिए अब हम बात करते हैं घृणा की, है ना। अगर हम किसी व्यक्ति से घृणा करते हैं, घृणा एक प्रकार का संवेग है। ऐसे क्या होता है कि कुछ लोग किसी से अगर घृणा करते हैं, तो उन घृणा के कारण जिस व्यक्ति से आदमी घृणा करता है, वो व्यक्ति क्या करता है? उस प्लेस को छोड़ देता है ना। तो निवृत्ति का मतलब होता है
त्याग करना। निवृत्त का मतलब क्या होता है? त्याग करना। निवृत्त का मतलब होता है त्याग करना। यानी अगर मान लीजिए आप लोग मेरे विद्यार्थी हैं और मैं आप लोगों को सबको पढ़ा रही, उसमें से एक बच्चे स्टूडेंट से मैं बड़ी घृणा कर रही हूँ, मैं बड़ी क्या कर रही हूँ, घृणा कर रही हूँ, तो अगले दिन से वह विद्यार्थी मेरी क्लास को नहीं लेगा, मुझसे पढ़ने नहीं आएगा। फाइनली उस विद्यार्थी ने मेरी क्लास का क्या कर दिया? त्याग कर दिया, है ना। उसने मेरी क्लास का, मेरे मेज में घृणा वाला संवेग था उस विद्यार्थी के प्रति, तो उसने उसने कौन सी प्रवृत्ति दिखी? उसमें त्याग की प्रवृत्ति दिखी। कौन सी प्रवृत्ति दिखी? त्याग की प्रवृत्ति दिखी। अब देख लीजिए अगला संवेग क्या है? भय है। अगर एकाएक इसी क्लास में सांप आ जाएगा तो आप भय से क्या करोगे? क्लास को छोड़ के चले जाओगे। तो आपने भय के कारण क्या किया? उस स्थान का पलायन किया, उस स्थान का पलायन किया, उस स्थान का क्या किया? उस स्थान का पलायन किया, उस स्थान का क्या किया? पलायन किया। बात समझ में आई कि अगर भय के कारण, मतलब अभी मान लीजिए अगर अभी आपको कोई धमकाए कि देखिए अगर आप यहाँ रोज रोज आएंगे एक दिन हम आपको जान से मार देंगे, तो आप क्या करेंगे? उस स्थान का ही पलायन कर देंगे। फाइनली उस स्थान को आप छोड़ देंगे। किसके कारण? भय के कारण। और भय क्या था? उसने आपको धमकी दिया था मारने का, ठीक है ना। अब हम बात में करते हैं आत्महीनता की। देखिए आत्महीनता का मतलब यहाँ पे क्या होता है? आत्महीनता का मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्या है, परेशान है, इतनी उसकी दैन्य स्थिति, मतलब कि देखिए यहाँ पे दैन्य का मतलब होता है गरीबी। क्या होता है? गरीबी, है ना। दैन्य का मतलब क्या होता है? गरीबी। अगर कोई व्यक्ति सड़क पर मर रहा है, सड़क पर व्यक्ति मर रहा है ना, सड़क पर व्यक्ति मर रहा है, मर रहा है ना, और इलाज नहीं हो पा रहा है, कारण गरीबी, इलाज नहीं हो पा रहा है, इलाज नहीं हो पा रहा है ना। बात समझ में आई? तो कहीं ना कहीं हम लोग को हिंता आती है कि देखिए वो व्यक्ति इलाज नहीं करा पा रहा है, सड़क पे ही उसकी जान दांव पे लगी है, तो कहीं ना कहीं उसका कारण क्या था? गरीबी। और उस टाइम वो कराह रहा है, बहुत तकलीफ में है वो, तो वह एक प्रकार से उसमें आत्महीनता की भावना आ रही है, या एक प्रकार का क्या है? संवेग है। और उसका कारण क्या है? दैन्य है। दैन्य एक प्रकार की क्या है? मूल प्रवृत्ति है। उस व्यक्ति को देख करके ही पता चलता है कि वो व्यक्ति बहुत गरीब है, उसकी स्थिति बड़ी दैनिक है, वो अपना इलाज नहीं करा पा रहा है, तो उसके अंदर दर्द का संवेग आ रहा है। कौन सा संवेग आ रहा है? दर्द का संवेग आ रहा है। उसी को हम लोग आत्महीनता कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आत्महीनता कहते हैं। अब देखिए जब आप किसी समस्या के कारण अकेले में बैठते हैं तो उसको एकाकीपन कहते हैं। अकेले में बैठते हैं तो उसको एकाकीपन कहते हैं। तो वह भी हम कभी कभी हम किसी समस्या में इतने जूझे होते हैं कि हमारे आसपास से भी कोई गुजर जाता है, हमको पता नहीं चलता है, और हम एकांत में अकेले बैठे रहते हैं। यह एकाकीपन एक प्रकार का संवेग है। एकाकीपन क्या है? एक प्रकार का संवेग है। तो इस एकाकीपन को दूर करने के लिए अगर 4-6-10 लोग मिलकर आके हमको समझाते हैं, हमारी समस्या का समाधान करते हैं, तो उसकी प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी? सामूहिकता हो जाएगी। उस प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहेंगे? सामूहिकता कहेंगे। बात समझ में आई? अगला देखिए आपका संवेग क्या है? भूख। देखिए जब आपको भोजन, मतलब भूख लगेगी तो आपको भोजन की रिक्वायर होगी। किसकी रिक्वायर होगी? भोजन की रिक्वायर होगी। कहीं ना कहीं आपका मन होगा भोजन करने का, है ना। तो जब आपको भूख लगती है ना तो आपको भोजन की रिक्वायर होगी। तो भूख लगना एक प्रकार का क्या है? संवेग है। और उस भूख को शांत करने के लिए जो आप भोजन की तलाश करते हो यह क्या है? मूल प्रवृत्ति है। दोनों का संबंध पता चला आपको? जब हमको भूख लगती है तो हमारे अंदर संवेग जागृत होता है कि हमको भूख लगी है, और उस भूख को शांत करने के लिए हम भोजन की जो तलाश करते हैं वह मूल प्रवृत्ति होती है। अगला देखिए कामुकता होती है। कामुकता जो होती है कहीं ना कहीं से आफ्टर मेच्योरिटी हमारे अंदर कामुकता की जो भावना हो जाती है बहुत सक्रिय हो जाती है। उस सक्रिय भावनाओं को, मतलब कि उस सक्रिय भावनाओं को शांत करना ही क्या हो गया?
काम की प्रवृत्ति, मतलब जो सक्रिय भावना के को जो है करना ही क्या हो गया, काम प्रवृत्ति हो गया है, एक प्रकार की क्या है, मूल प्रवृत्ति है। अगला पॉइंट देखिए हम लोग क्या बात करते हैं, देखिए शैशवावस्था में संवेगात्मक स्थिति कैसी होती। एक्चुअली जो नवजात शिशु होता है ना, वह अपने व्यवहार को संवेग के रूप में, मतलब जो नवजात शिशु होता है, मतलब कि एक प्रकार से नवजात शिशु जो होता है वह अपने व्यवहार को जो होता है संवेग के रूप में व्यक्त करता है। नवजात जो शिशु होता है वह अपने व्यवहारों को जो है किसके रूप में व्यक्त करता है, संवेग के रूप में व्यक्त कर, से रोना हो गया, चिल्लाना हो गया, पैर हाथ पटकना हो गया। और इस बात का प्रमाण है कि प्रारंभ में शिशु की जो संवेगात्मक स्थिति होती है वह बिल्कुल सामान्य सी होती है। कैसी होती है, सामान्य सी होती है। अब ब्रिजेज मतलब कि एक मनोवैज्ञानिक महिला हैं, उन्होंने बोला था कि ब्रिजेज के अनुसार जो है 3 माह की उम्र में 2 संवेग का जन्म होता है। ब्रिजेज के अनुसार 3 माह की उम्र में 2 संवेग का जन्म होता है, पहला दुख हो गया, दूसरा आनंद हो गया। शिशु की जो प्रेम की भावना होती है वही शिशु की काम प्रवृत्ति की भाव होती है। मतलब एक तरफ से आप कह सकते हैं कि शिशु की जो प्रेम भावना होती है कहीं ना कहीं वह काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। शिशु की जो प्रेम भावना होती है वह किस पर आधारित होती है, वह काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। शिशु का अपने अंगों से प्रेम करना ही काम प्रवृत्ति है। और सिगमंड फ्रायड बोलते हैं कि अगर कोई शिशु स्वप्रेम करता है, शिशु का आत्म प्रेम ही नर्सोसिज्म कहलाता है। एक शिशु का आत्म प्रेम ही क्या कहलाता है, नर्सोसिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, नर्सोसिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, नर्सोसिज्म कहलाता है। सिगमंड फ्रायड ने इस प्रकार के आत्म प्रेम को नर्सोसिज्म में कहा है, ठीक है ना। अब देखिए बाल्यावस्था में संवेगात्मक स्थिति की क्या खास बात होती है। एक्चुअली शैशवावस्था की तुलना में बाल्यावस्था में संवेगों में तीव्रता एवं उग्रता नहीं रहती है। कहीं ना कहीं शैशवावस्था में संवेगों की बहुत ज़्यादा तीव्रता उग्रता रहती है, उसकी तुलना में बाल्यावस्था में कम रहती है, बल्कि स्थायित्व तो आने लगता है। मनोवैज्ञानिक कोल और ब्रिस ये बोलते हैं कि बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का आदर्श काल कहा है। किसने, मनोवैज्ञानिक कोल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का क्या कहा, संवेगात्मक विकास का आदर्श काल कहा। किसने कहा, कोल और ब्रूस ने कहा। जबकि क्रो का मत है कि बाल्यावस्था के संपूर्ण वर्षों में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। मतलब क्रो क्या कहते हैं कि बाल्यावस्था का जो संपूर्ण समय होता है उस पूरे समय में जो होता है हम पूरे समय में निरंतर परिवर्तन जो होता है किसमें होगा, संवेगों में होगा। समय समय की जो भी भावना अभिव्यक्ति होती है उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। और किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास की स्थिति, किशोरावस्था में संवेगात्मक परिवर्तन की स्थिति, देखिए किशोरावस्था पर अध्ययन करने का श्रेय G.S. हाल को जाता है। किशोरावस्था पर अध्ययन करने का जो श्रेय होता है वो G.S. हाल पर जाता है। किशोरावस्था पर अध्ययन करने का जो श्रेय होता है वह किस पर जाता है, G.S. हाल पर जाता है। किस पर जाता है, G.S. हाल को जाता है। और याद रखिएगा किसको जाता है, जिसने किशोरावस्था की मानस स्थिति को, जिसने किशोरावस्था की मानस स्थिति को संघर्ष तनाव तूफान की अवस्था कहा। और कोल और ब्रिस क्या कहते हैं, किशोरावस्था को आगमन का मुख्य चिन्ह के और संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन कहते हैं। किशोरावस्था को क्या कहते हैं, किशोरावस्था को आगमन का मुख्य चिन्ह कहते हैं। किशोरावस्था को आगमन का मुख्य चिन्ह कहते हैं और तीव्र परिवर्तन होता है इसी कारण। बात समझ में आई। देखिए आज हमने आपको जो इस क्लास, फिर उसके बाद हम आपको बता दें इस क्लास में कि B.N. झा का क्या मत है। B.N. झा क्या कहते हैं कि किशोरावस्था में बालक एवं बालिकाओं में काम प्रवृत्ति तीव्र हो जाती है और उसके संवेगात्मक व्यवहार पर असाधारण प्रभाव पड़ता है। बात समझ में आई। यह संवेगात्मक अभिव्यक्ति स्वप्रेम, विषमलिंगी प्रेम, समलिंगी प्रेम के रूप में होता है। इस परिस्थिति में किशोर जो है एवं किशोरी अंध बने रहते हैं, यानी अंधापन कुछ प्रौढ़ावस्था की अवस्था तक होता है, कुछ व्यक्तियों के जीवन काल तक रहेगा। इसलिए कुछ मनोवैज्ञानिक ने कहा
कि वृद्ध को देखा तो वह किशोर, जैसे देखिए वृद्ध को देखिए वह किशोरावस्था को पुनः प्राप्त कर लिया, संवेगात्मक विकास से संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिक के अपने देखिए क्या विचार। उद्वर्त क्या कहते हैं, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, या किसने कहा, उद्वर्त ने कहा। उद्वर्त क्या कहते हैं कि संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, किसने कहा, यह जो है संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह किसने कहा, उद्वर्त ने कहा। वी एफ स्किनर के शब्दों में हम बात करें, देखिए जो शिशु का संवेगात्मक व्यवहार होता है ना, बी एफ स्किनर की हम बात करते हैं, किसकी, बी एफ स्किनर की मैं बात करती हूँ। एक्चुअली बी एफ स्किनर क्या कहते हैं कि शिशु का जो संवेगात्मक व्यवहार होता है वो धीरे धीरे निश्चित और स्पष्ट होने लगता है, उसके व्यवहार के विकास की जो सामान्य दशा होती है वह अनिश्चित और अस्पष्ट से अस्पष्ट होने लगती है, यानी विशिष्ट की ओर जाने लगती है सामान्य से। और रास क्या कहते हैं कि संवेग चेतन की वह अवस्था जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है, किसने कहा है, रास कहते हैं। और ग्रेल डार्ड क्या कहते हैं, संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। और वैलेंटाइन क्या कहते हैं, जब रागात्मक प्रकृति का वेग बढ़ जाता है तभी संवेग की उत्पत्ति होती है, किसने कहा, वैलेंटाइन ने कहा, जब रागात्मक जो है रागात्मक प्रवृत्ति का वेग बढ़ जाएगा तभी संवेग की उत्पत्ति होगी, किसने कहा, वैलेंटाइन ने कहा। जर सील्ड क्या कहते हैं, किसी प्रकार के आवेश आने पर भड़क उठने वाला उत्तेजित, किसी प्रकार के आवेश आने पर भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, जर सील्ड के शब्दों में संवेग कहते हैं। मैकडूगल क्या कह रहे हैं कि संवेग अनुभव का एक प्रकार का कार्य प्रणाली एवं क्रिया की एक विधि है, या किसने कहा, मैकडूगल कहा, किसने कहा, मैकडूगल। अब हमारी अगली क्लास जो होगी वह सामाजिक विकास की होगी, जो हम अगली क्लास में लेंगे। आज हम अपनी क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक